नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के सातवें चरण का सियासी संग्राम पूर्वांचल पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल सीटों पर अधिक से अधिक सीटों पर जीत के लिए सभी दिग्गज नेता अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और मैदान में उतरे हैं। छठे चरण के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है और आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी सोनभद्र पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। और क्या कुछ कहा है देखिए। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। भाइयों और बहनों, देश की आजादी और देश के विकास में हर योगदान को असम्मान दिया जा रहा है। दशकों बाद धरती आबा बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय सेनानियों क्रांतिवीरों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हर जरूरत का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। पहले की सरकारें सिर्फ 8 या 10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने देश के लाखों जनजातीय परिवारों की बहुत बड़ी चिंता दूर की। भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले ऐसे जिलों को जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा, आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, अब अंतिम 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में हैं। इस दौरान उन्होंने चंदौली और जौनपुर के मछली शहर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा भी किया कि 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। 2017 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, इसी जिले में आया था, हमारे सुशील की सीट पर सभा थी, वहां मैंने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। हमने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम कराया। अरे भाई, सब में जेल में कर दे हो, गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? जेल में रखना है क्या उनको? जेल में रखना है तो केवल और केवल कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा, कमल के निशान। और आप चिंता मत करो, मैं गंगा किनारे कहकर जाता हूं, ये सकलडिया जैसी एक दो जगह पे बाहुबली बच गए ना, 10 के बाद उनको भी जेल में पहुंचाने का काम हम करेंगे। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं होती तब तक यहाँ पर औद्योगिक निवेश नहीं आ सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, योगी जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि माफियाओं से खाली कराने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने, और डकैती में 72% की कमी, लूट में 62% की कमी, हत्या में 71% की कमी, अपहरण में 29% की कमी और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की स्थिति से ठीक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ के बाद आजमगढ़ जिले में भी 2-2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। एक जनसभा सदर विधानसभा क्षेत्र में तो दूसरी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुई। सदर विधानसभा के करतालपुर में आयोजित जनसभा में योगी आदित्यनाथ सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर नजर आए। क्या कुछ कहा इस हमले के दौरान, देखिए। ये संख्या इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिससे प्रदेश में एक दमदार सरकार बन सके। भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार जो सबको सुरक्षा दे सके, किसी बहन को किसी बेटी को असमय विधवा न होना पड़े, और इस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बीटेक, एमटेक, बीएमई, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, जो भी कोर्स कर रहा है नौजवान, टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2200 नौजवान को अकेले यहां पर वितरित हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को, हमने तय किया अभी तो 2200 1 करोड़ नौजवान को बांट रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवान को हम इसको वितरित करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री में, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन का होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होगा, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी खर्चा आएगा, ये सारा का सारा सरकार वहन करेगी।
भाइयों बहनों, पिछले चार महीनों के दौरान 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी दिए हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी और स्वरोजगार दिया है। आने वाले 5 वर्ष के दौरान हम लोग हर परिवार के 1 सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का। यूपी में 6वें चरण का कल मतदान होना है। वहीं सभी सियासी दिग्गज चुनाव के फाइनल राउंड की तैयारी में लगे हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी, सोनभद्र और बदोही में चुनावी जनसभा करते नजर आए, जहां उन्होंने सोनभद्र में पीएम मोदी के साथ चुनाव प्रचार किया और जनता से खास अपील की। ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारेगी, गरीबों की एकता जीतेगी, किसानों की एकता जीतेगी, नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनेगा, माताओं बहनों का की सुरक्षा और सम्मान होगा। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही निवेदन करने के लिए खड़ा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य का आधार स्तंभ होगा। विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए। लक्ष्मी जी ना साइकिल में बैठ करके आएंगी, ना हाथी में बैठ करके आएंगी, ना हाथ के पंजे पर बैठ करके आएंगी। लक्ष्मी मैया तो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसे हर बूथ पर कमल खिलाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक कोटों के अंतर से जिताइए। विरोधियों की जमानत जब्त करिए। ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जौनपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। शाहगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला, दावा किया कि सपा की सरकार बनने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है, इस बार धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। दावा किया कि सपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। आपने नेता देखे होंगे, एक के बाद एक, और देश का कोई नेता नहीं बचा जो आज उत्तर प्रदेश में आया हो। बीजेपी के हर प्रदेश के बड़े नेता और बड़े से बड़ा नेता आज उत्तर प्रदेश में आपसे समर्थन के लिए आ रहा है, लेकिन इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे यहां किसान भाई होंगे, बताओ किसान भाइयों आपकी क्या आय दोगुनी हो गई? कोई किसान भाई नहीं कह सकता है कि अगर उसकी आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। इसका मतलब ना बाबा जी ने लैपटॉप दिया, स्मार्टफोन दिया, और 5 साल से ये नौजवान नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बताओ नौकरी मिली आपको? रोजगार मिले आपको? ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, इन्होंने पढ़ लिया होगा मैनिफेस्टो। समाजवादी सरकार तो बीएड टेट वालों का समायोजित करने का फैसला सरकार में लिया जाएगा।
यूपी में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सातवें चरण का प्रचार चल रहा है और कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। क्योंकि आपको संविधान मिला, उस संविधान में लिखा था, आज भी लिखा है कि आपके हक क्या है। लोकतंत्र में सत्ता पब्लिक की होती है, नेता उधार में लेता है उसे। आपकी सत्ता आप दे रहे हैं 5 सालों के लिए, मन चाहे तो मत दो, लेकिन आप भूल गए हैं। सारे नेता समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको तो सत्ता में रहना ही है। कोई एक धर्म की बात करेगा, दूसरा दूसरे धर्म की बात करेगा, कोई एक जाति की करेगा, कोई दूसरी जाति की करेगा। आगे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, इनका विकास होगा, जनता गरीब की गरीब रहेगी। समझ गए, आपने बुरी आदत डाल दी। अब क्या होगा? दशकों से आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई, क्या मिला? समाजवादी दल ने सरकार बनाई, क्या मिला? भाजपा की सरकार बनाई, क्या मिला? रोजगार मिले। अरे मोदी जी तो मंच पे खड़े होके कहते हैं, उनको पता भी नहीं कि छुट्टा जानवर जैसी समस्या है। इतने बड़े अंतर्यामी, इतने सर्वज्ञानी, आजकल तो विश्व गुरु भी हैं। अरे इतने बड़े विश्व गुरु, उनको मालूम नहीं कि उन्हीं के देश में, उन्हीं की सरकार में सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा इस देश के किसान यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं। और आपने, वाह वाह, आपकी भी वाह वाह। जुबानी वार पलटवार में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बयानों और आरोपों के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।